नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बनिंग स्पोर्ट 11 में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं न्यूजीलैंड वुमेन और फ्रेंड्स यहाँ पे आयरलैंड वुमेन के बीच में, जो यहाँ पे फ्रेंड्स आईसीसी वुमेन वर्ल्ड टी20 का अगला मुकाबला खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए बता दें, अभी जो इंडिया का मैच चल रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स हमने आज के लिए आपको स्पेशल स्मृति मंदाना को फ्रेंड्स यहाँ पे कैप्टन के लिए सजेस्ट किया था और हरमनप्रीत कौर, दोनों आपको बताए थे ग्रैंड लीग में आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं फ्रेंड्स, अगर आपने सेम टीम भी लगाई होगी और फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ पर मेरे जो मैंने बोला था ग्रैंड लीग के लिए आपने ट्राई किए होंगे तो आपकी ग्रैंड लीग में बहुत अच्छी रैंक चल रही होगी। तो फ्रेंड्स अभी दोनों टीमों ने यहां पे जो भी मैचेस खेले हैं, मैं फ्रेंड्स वहां पे आपको परफॉर्मेंस लेके आया हूं दोनों टीमों का, तीन तीन मैचेस का। तो फ्रेंड्स चलिए यहां से देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहा दोनों टीमों का। अगर फ्रेंड्स आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं और फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, उससे हमारे फ्रेंड्स यूट्यूब पर जो भी वीडियोस आते हैं वो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन में पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स इधर पे बात करते हैं, देखिए आयरलैंड का क्या परफॉर्मेंस रहा अब तक, देखिए तीनों मैचेस का यहाँ से स्लिंगटोन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया आयरलैंड की तरफ से। ओपनिंग आती है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इधर पे, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखिए यहाँ पे सिसुलिया जॉयस को नहीं खिलाया गया था, यहाँ पर एक मैचेस मौका दिया गया था, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा इनका। इसके बाद देखिए गेबिलोस ओपनिंग करने के लिए आई थी, हालांकि लंबा स्कोर नहीं कर पाए पर फ्रेंड्स बहुत बढ़िया प्लेयर है, 9 रन बनाए इन्होंने। इसके बाद बात करते हैं देखिए इसोबेल की, तो फ्रेंड्स इन्होंने 33 रन का योगदान दिया था, हालांकि इनको विकेट कोई भी नहीं मिला। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहां से लॉरा डेनरी ने 9 रन बनाए थे और एक विकेट भी लिया था। इसके बाद बात करते हैं तो देखिए यहां से कबान आई थी फ्रेंड्स यहाँ से, तो 2 रन बनाए मात्र इन्होंने। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से किम ग्रेस ने 3 रन भी बनाया और साथ में लिया था 2 विकेट। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए अच्छी चॉइस रह सकती है। ऑलराउंडर सेक्शन में से बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से एम रिचर्डन आई थी, इन्होंने फ्रेंड्स एक विकेट भी लिया, 4 रन बनाए। इसके बाद यहाँ से लॉरा मार्टिज को मौका दिया गया था, यहाँ पर मैट कैफे को नहीं खिलाया गया, तो फ्रेंड्स इनका कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं। तो ये आपको चेंजेस 100% देखने के लिए मिल जाएगा दर पर। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं, देखिए इनके पास और भी बैट्समैन बैठे हुए हैं तो फ्रेंड्स ये उनको भी मौका दे सकती है। चलो फ्रेंड्स यहां से देखिए मेरी बोल्डर आई थी, 2 रन बनाए इन्होंने। इसके बाद देखिए यहां से लूसी का अच्छा परफॉर्मेंस रहा फ्रेंड्स, इसके पहले देखिए आप 3 विकेट निकाला, अभी लास्ट मैच में 1 विकेट निकाला था। यहां से फ्रेंड्स देखिए आप यहां से राक्स को खिलाया गया था, तो फ्रेंड्स इनको लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिला। इसके बाद फ्रेंड्स यहां से बात करते देखिए 1 रन बनाया और मेड कैफे को आपको बता दिया नहीं खिलाया गया था। तो फ्रेंड्स उम्मीद यही है कि इनको वापस लाया जाएगा, इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, या फ्रेंड्स टीम चाहे तो बैट्समैन को यदि लेना चाहे तो इस यहाँ फ्रेंड्स जो ड्रॉप किया गया था इन प्लेयर को सिसिलिया जो है इसको, तो फ्रेंड्स इनको चाहे तो टीम वापस ला सकती है, लेकिन यहाँ फ्रेंड्स और भी प्लेयर इनके बेंचेस पे हैं, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से उनको टीम यहाँ पे लाना चाहेगी। बात करते हैं देखिए यहाँ पे न्यूजीलैंड की, तो देखिए सूजी वेट्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, आप तीनों मैचेस का देख सकते हैं इधर पर, 67 रन, 48 रन और 35 रन का योगदान दिया फ्रेंड्स इन्होंने, एक मैच में बॉल भी कराई थी, रन नहीं मिला इनको। इसके बाद देखिए एना पैटरसन को बाहर कर दिया गया था, ये नहीं खेल रही आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखिए सूफी डिवाइन ने ओपनिंग किया था और 32 रन बनाए थे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इनको विकेट नहीं मिला था लास्ट मैच में। इसके बाद देखिए एमएस 17 वेट ने 26 रन बनाया और फ्रेंड्स इनको भी कोई विकेट नहीं मिला। मेडी ग्रीन ने 9 रन बनाए यहां पे। इसके बाद देखिए केटिन मार्टिन, तो फ्रेंड्स 29 रन बनाए इन्होंने, सेम बैटिंग ऑर्डर लिखा हूं फ्रेंड्स जैसे यहां पे आए थे। इसके बाद देखिए कैसप्रिक का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, देखिए बॉलिंग से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन्होंने, 5 विकेट निकाला। इसके बाद देखिए 1 रन ही बनाया इन्होंने लास्ट मैच में। इसके बाद देखिए यहाँ से हेली जेसन को नहीं खिलाया गया था फ्रेंड्स, यहाँ पे जेस वॉटकिंग को मौका दिया गया था फिर से फ्रेंड्स, देखिए 3 विकेट निकाला इन्होंने, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। और इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं तो देखिए आप इनको खिलाया गया था, इनका कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से इनको टीम में रिप्लेस कर सकती है, हेली जेसन को टीम वापस ला सकती है। और फ्रेंड्स इसके अलावा इन्हीं के अलावा और कोई चेंजेस आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। लिया ताओ को देखिए 1 विकेट लिया लास्ट मैच में। इसके बाद देखिए एमिला केर ने 3 विकेट निकाला और जेस बॉटकिंग ने 3 विकेट निकाला था, तो फ्रेंड्स बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा बॉलिंग से। एंडा राव ने देखिए फ्रेंड्स 1-1 विकेट निकाला है। तो फ्रेंड्स आप यहां से देखिए इंपॉर्टेंट चॉइस जो आपके लिए रहने वाली है, आप देखिए यहां से जो भी परफॉर्मेंस फ्रेंड्स इधर सारे इसलिए लेके आया हूं क्योंकि फ्रेंड्स आपको यहां से काफ़ी हेल्प हो सके बैटिंग प्लस बॉलिंग से, आप यहां से इंपॉर्टेंट अपने 7 प्लेयर पिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं, आप देखिए एक साइड मैच होने वाला है, आपको पता है वन साइडेड है, तो आप यहाँ से कोशिश करिएगा 6 से 7 प्लेयर आप फ्रेंड्स ले सकें यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से, और फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं तो आप आयरलैंड की तरफ से ले सके 4 से 5 प्लेयर। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं ड्रीम 11 की, फ्रेंड्स आप यदि स्मॉल लीग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आप सेफ खेलना चाहेंगे और फ्रेंड्स जहाँ आपका कोई प्लेयर मिस ना हो, यदि कोई सी भी चेंजेस होते हैं टीम में तो आप सेफ भी खेल सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको साइनअप करना होगा यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले लीगएक्स पे, लीगएक्स बहुत ही बढ़िया साइड है फ्रेंड्स यहाँ पे, और आप देख सकते हैं इधर फ्रेंड्स
ये रेफरल कोड है, 25 रुपये आपको साइनअप करते ही मिल जाएगा जो कि आप 100% यूज़ कर पाएंगे। लीगएक्स पे फ्रेंड्स 200 रुपये तक कैश बोनस मिलता है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लास्ट में आकर आप टॉस होने के बाद में अपनी टीम को एडिट कर पाते हैं, जो भी प्लेयर खेल रहे हैं आप अपनी टीम में उन्हें पिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। साथ में हाला प्ले को जरूर अपने मोबाइल में रखिएगा, इस पर साइनअप कर लीजिएगा, ये रेफरल कोड है, आपको साइनअप करते ही 100 रुपये मिल जाएगा जो कि आप 100% यूज़ भी कर पाएंगे फ्रेंड्स। हाला प्ले पर दोनों टीमों का प्लेइंग 11 पता चल जाता है, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा हाला प्ले पे पता चल जाता है दोनों टीमों का, तो फ्रेंड्स आप हाला प्ले से देख के आप हाला प्ले पे एडिट कर लीजिए अपनी टीम को, लीग एक्स पे एडिट कर लीजिए, और फ्रेंड्स एक बार जरूर ट्राई करना क्योंकि ये आपके लिए फ्री रहता है एकदम, आपको जो भी कैश बोनस मिलेगा यहाँ से 100% यूज़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको, साथ में यहाँ से मिल जाएगा रेफरल कोड, तो आप जरूर यहाँ से साइनअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विकेट कीपिंग में आपके पास दो ऑप्शन है, केटिन मार्टिन का ऑप्शन है और फ्रेंड्स यहाँ से आपके पास है मेरी बोल्डन का। तो फ्रेंड्स आपको बता दें केटिन मार्टिन आपको लगभग 5 नंबर पे खेलती हुई दिखाई देंगी, लास्ट टाइम ये 4 नंबर पे खेलने के लिए आई थी, और फ्रेंड्स यहाँ से मेरी आपको 7 नंबर पे खेलती हुई दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स आपने इनमें से जिनको पिक करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों एकदम सेफ रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से केटिन को पिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं बैट्समैन की, तो देखिए आपने सूजी वेट्स को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना है। इसके बाद आपने लेना है गेबी लुइस को, लास्ट में ओपनिंग आई थी हालांकि कुछ नहीं कर पाए, तो आप इनको पिक कर सकते हैं। स्लिंगटोन को आप जरूर पिक करना, एक ही प्लेयर अच्छा चल रहा है यहाँ से आयरलैंड की तरफ से, आप देखिए इनको ड्रॉप किया गया था, तो आपने इनको बिल्कुल भी पिक नहीं करना है। एमी सदरवेट को आप पिक कर सकते हैं, वन डाउन आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं केस इनकी, तो फ्रेंड्स आप इनको सावना को लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इसके बाद देखिए और ये प्लेयर नहीं खेला है, मेडिग्रेन आपको खेलते हुए दिख जाएंगी, और फ्रेंड्स इनको मौका दिया गया था, ये आपको चेंजेस मेरे हिसाब से देखने के लिए मिल जाएगा, कोई खास परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए और कोई प्लेयर यहाँ पर नहीं है, तो आप बेट्स को ले लीजिए, आप यहाँ पर स्लिंगटोन को ले सकते हैं। आपने किसी और प्लेयर को लेना है तो फ्रेंड्स आप यहाँ से एमी सतरबेट को ले सकते हैं। आप फ्रेंड्स यहाँ से सतरबेट को ना लेते हुए आप किसी और प्लेयर को भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए बात करते हैं फिलहाल ऑलराउंडर की, ऑलराउंडर में आपके पास ऑप्शन देखिए सूफी डिवाइन का है, ओपनिंग आई थी और फ्रेंड्स बॉले भी कराएंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए इसोबेल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे इनको जरूर पिक कर सकते हैं आप। किम गेयर्स को पिक कर सकते हैं फ्रेंड्स, 2 विकेट निकाला इन्होंने। लॉरा डेनली एकदम सेफ है, जेस वॉटकिंग को मौका दिया था, 3 विकेट निकाला फ्रेंड्स, ये आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। एना को फ्रेंड्स यहाँ से ड्रॉप किया गया था, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आप एना को पिक मत करिएगा, इनके बहुत कम चांस है यहाँ पे आने के, और फ्रेंड्स यदि टीम चाहे तो फ्रेंड्स इनको ला भी सकती है, जैसे कि आपको बताया जिन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पे इनको मौका दिया गया था, इनका कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे वरना दिन का, तो फ्रेंड्स इनकी जगह पे चाहे तो फ्रेंड्स ये ऑलराउंडर सेक्शन में से इनको फ्रेंड्स टीम चाहे तो खिला सकती है। तो फ्रेंड्स ग्रैंड लीग में आपको ट्राई करना 6 टीमों के साथ में तो आप कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स देखिए आपके पास सूफी डिवाइन और किम गिर दोनों को आपने पिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आपने यदि यहाँ पे वॉटकिंग को लेना तो आप इनको ले सकते हैं, लास्ट मैच 3 विकेट निकाला है, बट मेरे हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए इसोबेल का ऑप्शन बढ़िया रहने वाला है। फ्रेंड्स बात करते हैं इधर पर फिलहाल देखिए आप इधर पे लोरी का ऑप्शन आपके लूसी का ऑप्शन एकदम बढ़िया है, कैसप्रेक 2 को तो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए आपने मैट कैपे को नहीं पिक करना है, इनको फ्रेंड्स लास्ट मैच में ड्रॉप किया गया था, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से स्मॉल लीग में आपके लिए रिस्क रह सकता है। यहाँ पे देखिए लिया ताओ हूँ एमिला किर आपके लिए दोनों बढ़िया ऑप्शन है, और फ्रेंड्स एमिला किर का आपको पता ही लास्ट मैच में 3 विकेट लेके आई हूँ, तो आप चाहे तो फ्रेंड्स इनको भी पिक कर सकते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स फिलहाल और किसी की, तो देखिए आपने लेना वन साइडेड मैच होने वाला आपको पता है, तो आप लिया ताओ को ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपके लिए ये टीम रह सकती है, आप देख सकते हैं इधर पे। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी हैं आप मैंने यहाँ पे पिक किया हुआ है, आपने लेना किसी और प्लेयर को तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे किसी प्लेयर को ड्रॉप करके उनको ले सकते हैं, बिल्कुल आप ले सकते हैं। आपको सारे प्लेयर मैंने बता दिए हैं, जरूर नहीं कि जो भी मैं टीम यहाँ से बना के आपको देता हूँ आप उस टीम के साथ खेले, और फ्रेंड्स आपने लेना है यहाँ पे आपने यहाँ पे किसी और प्लेयर को लेना है न्यूजीलैंड की तरफ से, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं फ्रेंड्स, आप मेरी तरफ से बिल्कुल भी ले लीजिए। यहाँ फ्रेंड्स आपको लगता है कि जेस बॉटकिंग इस बार फिर से विकेट निकाल लेंगे, तो इसोबेल के आप चाहे तो ड्रॉप करके जेस बॉटकिंग को आराम से पिक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद देखिए आपने यदि किसी और प्लेयर को लगता है कि यहाँ पे फ्रेंड्स कोई प्लेयर नहीं चलेगा, तो फ्रेंड्स आपको 7 प्लेयर ही ले पाएंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आप यहाँ पे वॉटकिंग को ड्रॉप करके इनको ले सकते हैं। और फ्रेंड्स इधर पे आप आके यदि फ्रेंड्स आपने लेना है यहाँ पे लॉरा डेनली को, तो आप फ्रेंड्स इनको भी बिल्कुल पिक कर लीजिएगा, एकदम सेफ चॉइस रहने वाली है आपके लिए। पर फ्रेंड्स यहाँ से आपके लिए बता दें वॉटकिंग का भी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। अगर फ्रेंड्स आप यहाँ से चाहते हैं कि हम सतरबेट को पिक करें अपनी टीम में, तो भाई आप बिल्कुल पिक कर लीजिए, बिल्कुल आप ले सकते हैं सतरबेट को, आपके पास यहाँ पे 8.5 का क्रेडिट बच जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 7 आपके पास हो जाएंगे, तो आप यहाँ से वॉटकिंग को नहीं ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स आपने या तो बैट्समैन सेक्शन में किसी को लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे आके एक बॉलर्स को और भी पिक कर सकते हैं। आपको रिचर्ड
रन खेलते हुए दिख जाएंगे मेरे हिसाब से। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेट केपे का चांसेस है फ्रेंड्स वापस आने का, मेरे यहाँ पे देखिए लॉरा को खिलाया गया तो ये चेंजेस मेरे हिसाब से होने वाला है। बाकी फ्रेंड्स आपने यदि पिक करना तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप मेरे हिसाब से यहाँ पे यदि पिक करते हैं किसी भी प्लेयर को तो देखिए सोना आपके लिए एकदम अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, तो आप इनको ले सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स इनकी बैटिंग बिल्कुल भी आने वाली है, सबकी बैटिंग आने वाली है इधर पे आपको पता है, बिकॉज एक अच्छी टीम के साथ खेल रहे हैं, इनकी टीम बहुत वीक है आयरलैंड की। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आप यदि किसी प्लेयर को लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी पिक कर लीजिएगा, यहाँ से मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो सदरबीट को यहाँ से ड्रॉप करके यहाँ से फ्रेंड्स वॉटकिंग को ले सकते हैं, आपके पास ये भी टीम रह सकती है, आपने लेना किसी और प्लेयर को तो आप बिल्कुल ले लीजिएगा। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए आपके पास ऑप्शन बचते हैं, आप यहाँ पर सोना को मेरे हिसाब से ले सकते हैं, एकदम सेव ऑप्शन रहने वाला है आपके लिए। और फ्रेंड्स देखिए बॉलर में आपके पास और ऑप्शन नहीं बचे हैं इधर पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी है फ्रेंड्स वहाँ पे और भी रिस्की ऑप्शन रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आपको तीन बैट्समैन भी लेना होगा और यहाँ से आप चाहे तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आप चाहे तो इस टीम के साथ खेल सकते हैं, यदि आप अपने हिसाब से टीम बनाते तो बिल्कुल आप बनाइएगा, आपको मैंने सारी जानकारी दे दिया हूँ। आप देखिए आपको पता है वन साइड मैच होने वाला है, तो फ्रेंड्स कैप्टन के लिए तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है सूजी बेट्स का। और फ्रेंड्स वाइस कैप्टन के लिए फिर से बोलूँगा यदि सूफी डिवाइन को आप रखते हैं ओपनिंग आती तो बहुत अच्छा कर सकती हैं, बाकी आपके पास केस पिक का बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है ये फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा मतलब बैटिंग नहीं आने वाली इनकी, आपको यहाँ से पता ही होगा, तो आपने यदि रखना तो कैटन मार्टिन, ये चार ऑप्शन मैं आपको देता हूँ फ्रेंड्स बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और यदि थोड़ा सा अलग करना है तो आप किम गैरेट के साथ भी जा सकते हैं, लास्ट टाइम पे इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, दो विकेट भी निकाले थे। तो मेरे हिसाब से ये टीम आपके लिए फ्रेंड्स विनिंग टीम रह सकती है। देखिए आप तीसरी टीम है, मैंने जो दो टीम बनाया है वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं और जो तीन टीम आपके लिए दो टीम बनाया है चलिए वो दिखा दे रहा हूँ। उसके पहले फ्रेंड्स वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जाकर कर दो वीडियो को, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारे यूट्यूब पर जो भी वीडियोस आए फ्रेंड्स वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स आप देखिए मैं लास्ट में वीडियो डालता हूं ताकि जो भी सारी न्यूज जब तक निकल के आती है, आपको पता है मैच जब तक स्टार्ट होता है तब तक न्यूज आती रहती है, तो फ्रेंड्स आप तक सारी न्यूज ला सकूं, इसलिए बोलता हूं बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप उसका फायदा ले सकें। तो फ्रेंड्स ये मेरी पहली टीम है, आप देख सकते हैं इधर पे मैंने फ्रेंड्स इधर पे सतरवेट को लिया है, जिस बोट किंग को लिया है, किम गेरेत को लिया है, इसो बेल को नहीं लिया मैंने इस टीम में, और आप देख सकते हैं रिचर्डन को भी लिया है मैंने। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने लूसी को लिया है, कैस्प्रेक है, लिया ताऊ है, सूफी डिवाइन है, सूजी वेट्स है, और यहाँ पर स्लिंगटोन और केटिन मार्टिन। तो फ्रेंड्स ये मेरी पहली टीम है और अभी आपको दूसरी टीम भी दिखाई दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं दो टीम के साथ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कैप्टन तो मैंने सूजी वेट्स को ही रखा है, वाइस कैप्टन मैंने घिसप्रेक को रखा है, आप चाहे तो फ्रेंड्स इस टीम के साथ भी खेल सकते हैं। यहाँ मैंने इसो व्हील को भी लिया है, जेस बॉटकिंग को मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया। तो फ्रेंड्स आपने चाहिए तो आप इस टीम के साथ भी खेल सकते हैं, आपको चेंजेस करना है तो आप एक आध चेंज जरूर कर लेना। ग्रैंड लीग में मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स मैंने जो लास्ट टाइम वीडियो डाले थे, यदि आप छः टीमों के साथ खेलते होंगे तो फ्रेंड्स आपने बहुत अच्छा अमाउंट विन जरूर कर लिया होगा, बिकॉज यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी टीमें बहुत अच्छा चलती हैं ग्रैंड लीग में। और आज का जैसे मैंने आपको बताया स्मृति मंदाना कौर के लिए हमने खासकर बोला था आपको, यदि आपने अपनी टीम में पिक किया होगा तो फ्रेंड्स आपकी रैंक भी बहुत अच्छी चल रही होगी ग्रैंड लीग में। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।